हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ बेस्ट रेसिपी आप सबके लिए, जो है बाजरे का चिल्ला। तो बहुत ही हेल्दी वाला है ये, आपका वेट लॉस करने में भी हेल्प करेगा, साथ में वेट गेन करने में भी आपका प्रिवेंट करेगा। तो कैसे बनता है बाजरे का चिल्ला, बहुत ही इजी तरीके से। तो मैं किंजल शाही पकवान में आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और देखते हैं कैसे बनता है चिल्ला। तो उसके लिए मैंने 1 बाउल यहाँ पे मेथी चॉप करके ली है, 1/2 बाउल यहाँ पे धनिया लिया है, 2 ग्रीन चिली चॉप करके ली है, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक की पेस्ट ली है, और 1 कप यहाँ पे हम बाजरे का आटा लेंगे, 1/2 टेबल स्पून हल्दी, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून सॉल्ट डालेंगे और हल्का सा पिंच जितना हम यहाँ पे अजवाइन क्रश करके डाल रहे हैं। अब इसके अंदर में 2/3 कप यहाँ पे हम छाछ डाल रहे हैं, बटर मिल्क हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से हमें मिक्स कर देना है। हमें पानी ऐड करना नहीं है, पहले हम बटर मिल्क से ही हम उसको मिक्स करेंगे। उसके बाद जब हमको ज़रूरत पड़ेगी तब जितना हमें ज़रूरत पड़ेगी ऐसे ही हम उसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो पानी हमें जो इसकी कंसिस्टेंसी हमें रखना है, वो हमें जैसे चिल्ला बनाते हैं, पुडला वगैरह जैसे हम बनाते हैं चिल्ला उत्पम वगैरह, तो उसी का ही हमें कंसिस्टेंसी रखनी है। तो ये बैटर हमारा देख सकते हो कि रेडी हो चुका है, और जब हमें बनाना है तब इसके अंदर पिंच जितना हम इसके अंदर ये बेकिंग सोडा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो बिल्कुल हमारा जो खीरू है, वो बैटर है, वो हमारा रेडी हो चुका है। और यहाँ पे मैंने तवा है वो भी गर्म करने के लिए रख दिया है। इसको हम ग्रीस कर देंगे ऑयल से या तो घी से, और ये मोल्ड ले रही हूँ। तो ये मोल्ड के अंदर हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तिल डाल रहे हैं इसके अंदर, और इसके अंदर हम यहाँ पे बैटर ऐड कर देंगे। मोल्ड मैंने इसीलिए यूज़ किया है कि परफेक्ट हमारा चिल्ला बने राउंड शेप में, इसीलिए। अगर आपके पास उत्पम तवा है उसमें भी आप बना सकते हो क्योंकि बहुत अच्छा है वो। तो इसके अंदर हम डाल के जो गैस की फ्लेम है वो हमें लो रखनी है और इसको ढक देंगे। ये पकने में बहुत टाइम लेगा, 3 से 4 मिनट ये लगेगा। तो हम चेक कर ले, ऊपर से भी हम ऑयल ग्रीस कर लेंगे और इसे हम पलटा देंगे। अब धीरे धीरे हम उसको प्रेस कर देंगे। मोल्ड को जब आप लो तो उसको भी थोड़ा ऑयल से ग्रीस कर लेगा क्योंकि ये चिपके नहीं। अब हम उसको निकाल लेंगे, तो आप देख सकते हो उसको भी दूसरी तरफ भी हमें उसको पकाना है 3 से 4 मिनट तक। तो आप देख सकते हो कि हमारा चिल्ला है, हम चेक करेंगे दूसरी तरफ हुआ है कि नहीं, पलटा देंगे। तो दूसरी तरफ भी हमारा पक गया है, फिर भी हम थोड़ा सा अंदर कच्चा ना रहे इसीलिए थोड़ा सा ऐसे कर देंगे। ये हमारा पक चुका है, तब हम उसको ले लेंगे। तो बहुत ही इजी तरीके से हमारा बन जाएगा और फास्ट रेसिपी है। अगर आपको लेट हो रहा है ब्रेकफास्ट बनाने में तो आप इसको इजी तरीके से बना सकते हो। इसको आपको रेस्ट करने के लिए भी रखना नहीं है, आप डायरेक्टली उसको बिना रेस्ट दिए ही बैटर को आप बना सकते हो। मैं एक साथ में 2 बना रही हूँ यहाँ पे क्योंकि बड़ा तवा है। तो है ना बहुत इजी तरीके से। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। और बेस्ट वे है ये मॉर्निंग में या आपके ब्रेकफास्ट में, आप उसको पैनकेक भी बोल सकते हो। तो रेडी हो चुका है यहाँ पे हमारा बाजरे का चिल्ला। Enjoy it. Thank you.